नमस्कार, स्वागत करते हैं आज के बिहार बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के आपके समक्ष हाजिर है। और बड़ी खबर सामने आ गई है, बिहार में कई बरसों पुराने ठंड के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए गए हैं। और ऐसे में एक बेहद बड़ी जानकारी, एक बेहद बड़ी खबर सामने आ गई है जो आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे। उससे पहले दोस्तों हेडलाइंस पर नजर, मोहन यादव के जी बिहार पहुंचने से कहा यादव कम्युनिटी के लोग आपको अपना नहीं मान लेंगे, जो अपना है वही विकास कर पाएगा। यानी तेजस्वी और लालू यादव का जलवा बरकरार। योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रभु श्री राम के आगमन से कुछ लोगों की जी मुसीबतें बढ़ गई है, कुछ लोगों के जी चाहना बढ़ गया है और ऐसे में वो लोग परेशान जरूर होंगे। लेकिन बड़ी खबर तेजस्वी यादव को लेकर के है, जहाँ तेजस्वी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए कई नए मुद्दों पर स्पष्ट तौर पर नया बयान दिया है, नई जानकारी दी है। तो क्या है और किस तरीके से नया बयान सामने आया, आपको विस्तार से बताएंगे। आज की बड़ी खबरों में समझाने का बड़ा प्रयास करेंगे किस तरीके से आज देश में लगातार ईवीएम मशीनें और मतदान केंद्रों पर बढ़ रहे भीड़ को लेकर नई खबर सामने आई। और साथ ही साथ भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए तमाम प्रकार के बड़े फैसले के बारे में आपको समुचित जानकारी देने का बड़ा प्रयास करेंगे कि क्या है नई अपडेट, क्या है नई जानकारी। पर इंडियन रेलवे की एक नए अपडेट के मुताबिक फिलहाल जब भी आप यात्रा करने निकले तो अपनी ट्रेनों के स्टेटमेंट की जानकारी अवश्य ले लें, अन्यथा ट्रेनें रद्द की गई हैं। बड़ी खबर सामने आई है, बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, दिन दहाड़े लूट, हत्या और मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले तमाम अपराधियों पर शिकंजा कसने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। और खबर है जिया मायावती को लेकर के, जब मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और राजनीतिक में उन्होंने नया भवन खड़ा कर दिया। पर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से देश में आज लगातार चिंता का अलग अलग विषय बना हुआ है। लगातार देश में इन सभी चीजों के बीच में नई नई जानकारियां सामने आई है। लेकिन आज की बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, एक नई जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जहां आपको बताएंगे किस तरीके से नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के एक नई अपडेट दी है, एक नई जानकारी दी है। और इस समय चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी भगवा बिहार में लहराने जा रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर है, बीजेपी भगवा लहराने जा रही है। ये है बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त का। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, भूतपूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नया स्टेटमेंट सामने आया, नया जानकारी सामने आया और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे। अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन करने के लिए बड़े दिग्गज हस्तियां पहुंची, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा प्रभु श्री राम के लिए श्रद्धा भावना हमारे अंदर भी है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे अंदर श्रद्धा भावना नहीं हो सकती। पर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त इंडिया अलायंस में एक्टिव नजर आ रही हैं जिया ममता बनर्जी। और बड़ी खबर यह है कि आज ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जिया आपको बता दें अयोध्या से सीधे बसों के तेज प्रचालन से लोग आवागमन कर रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के एक दिशा निर्देश के बाद में दोस्तों अब जो है शिवसेना किसकी होगी, ये बेहद बड़ी जानकारी सामने आ गई है, बेहद बड़ी खबर सामने आ गई है। और नीतीश कुमार के निर्णय से इतिहास बदलने जा रहा है, नीतीश कुमार के निर्णय से सब कुछ बदलने जा रहा है। तो आपको यह भी जानकारी बताएंगे कि नीतीश कुमार ने क्या नया निर्णय लिया और राजनीतिक में क्या नया हो रहा है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नया बयान दिया और कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा बंद है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज एक नया प्रयास के साथ नजर आए जी आपको दादे कि इस वक्त कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा हम सभी जानते हैं तेलंगाना और अन्य राज्यों में क्या हुआ। लेकिन आज बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव को लेकर के, लालू प्रसाद यादव 2024 में अपने कैंडिडेटों को मजबूत करना चाहते हैं, अपने जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस दौरान बेहद बड़ी जानकारी ये भी आई, बेहद बड़ी खबर ये भी आई कि आज एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की बड़ी तैयारी चल रही है। लेकिन राहुल गांधी के लिए क्या अगला स्टेटमेंट है, राहुल गांधी के लिए क्या नई जानकारी सामने आई है, राहुल गांधी के लिए बड़ी जानकारी आपको अवगत करा रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, इस पर भी डालेंगे विस्तार से नजर। लेकिन आज की बड़ी खबर में समझ लीजिए कि आज गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, गिरिराज सिंह के स्टेटमेंट से क्या कुछ नया बयान सामने आया और गिरिराज सिंह ने किस तरीके से बिहार में बीजेपी को बनाया।
बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की शुरुआत करेंगे उससे पहले दोस्तों आज की बड़ी समाचार जान लीजिए। बड़ी खबर यह है, बिग ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी समाचार सामने निकल करके आ गई है कि आज एक बार फिर से जी हां देश के अंदर ठंड के अलग अलग रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। बिहार में भी मौसम के समाचार में नई जानकारियां सामने आई, मौसम में आज लगातार जी हां अलग अलग नजराने सामने आए और लोगों को साफ तौर पर सतर्कता बरतने की बातें कही गई है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लोगों को सतर्कता बरतने की बात कही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें, उन्होंने ऐसा अपडेट किया है क्योंकि कई वर्षों पुराने ठंड के रिकॉर्ड ने ब्रेक कर दिया है। ठंड इस बार कई वर्षों पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है, यानी ऐतिहासिक ठंड है इस बार। इतिहास में इस ठंड को जी हां आपको बता दें कि माना जाएगा एक बहुत बड़े समय के बाद में ठंड ने इतने बड़े रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। इतनी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने निकल कर के आई है और बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के लिए लोकसभा का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। नीतीश कुमार को पता है कि आगे किस तरीके से उनकी मजबूती देखी जाने वाली है, लेकिन लोकसभा के चुनावों को लेकर के अलग अलग जानकारियाँ, अलग अलग खबरें, अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रही है और ऐसे में मुख्य तौर पर बड़ी जानकारी ये है कि नीतीश कुमार जैसे बड़े लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खेल को खराब कर सकते हैं, यानी नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो अधूरा हो सकता है, पूरा नहीं। तो अधूरा करने के लिए भी प्रयास तो किया जाएगा और ये प्रयास शुरू है। इस प्रयास को एक नया नाम दिया गया है, इस प्रयास को एक नया पहचान दिया गया है। खैर, इसके बारे में अब आपका क्या राय है ये भी जरूर बताइएगा। लेकिन नीतीश कुमार के प्रयासों को असफल बनाने की कोशिश में लगातार सरकारें लगी हुई है, खबरें सामने आ रही है, जानकारियां सामने। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है, प्रभु श्री राम के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हेतु आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी किया वो दुनिया ने देखा, दुनिया के समुचित पावरफुल देशों ने भी देखा। लेकिन ये माना गया कि भारत का हृदय, भारत का प्राण, भारत का एक मजबूत धरातल, भारत के विश्व गुरु बनने की कोशिश में एक नया पहचान प्रभु श्री राम के नाम से होना जो शुरू हो रहा है, वो प्रभु श्री राम आज अयोध्या में ब्रजमान हो चुके हैं, वो अयोध्या में पहुंच गए हैं और आगे क्या। जी हाँ, सड़कों पर विजिबिलिटी कम हुई और ऐसे में साफ तौर पर सामने कुछ ना दिखाई देने से कोहरे के वजह से सड़क दुर्घटनाओं का जी हाँ आपको बता दें कि जनसैलाब जारी रहा। जी हाँ, सड़क दुर्घटनाएं सामने आती रही, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतने की बातें कहे जाने के बावजूद भी लोगों ने इसे अनदेखी करनी शुरू की है। दोस्तों आपको बता दें कि सड़कों पर कुछ भी ना दिखाई देने से आज कई जगहों पर ऐसे नज़ारे सामने आए जहाँ गाड़ियाँ आपस में टकराती नजर आई। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने निकल कर के आई है और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दरअसल असम में साफ तौर पे कहा है कि असम में जब हम मंदिर जाना चाहते हैं तो वो लोग मंदिर नहीं जाने दे रहे। क्या ये सरकारों ने कहा है कि मंदिर सिर्फ किसी एक का है? क्या मंदिर जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति का हो सकता है? एक आदमी का मंदिर कैसे हो सकता है भला? और ऐसे में इन सभी जानकारियों को उन्होंने साफ तौर पर सार्वजनिक किया और कहा कि बहुत गलत हो सकता है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अलग अलग तैयारियों से किया जा रहा है, मजबूत कोशिशें की जा रही है, लेकिन इसी के साथ जो बेहतर प्रयास है उन्होंने किया है। और संघ के मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश के कणकड़ में प्रभु श्री राम बसते हैं, देश के कणकड़ में प्रभु श्री राम का आगमन होता है। और आज जब देश में प्रभु श्री राम का आगमन हुआ तो कुछ लोगों ने गलत निगाहें बैठाई थी, पर इससे हमें घबराना नहीं है, हमें अपने आप को और मजबूत कर लड़ाई करनी है। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी सामने निकल कर के आई है कि आज देश में ईवीएम मशीनों का एक अलग माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। देश में ईवीएम मशीनें जो हैं वो बैन की मांग शुरू हुई, लेकिन इसके साथ साथ अलग अलग जानकारियां और अलग अलग खबरें भी सामने निकल कर के आती रही। मुख्य तौर पर एक बेहद बड़ी जानकारी सामने आई और देश में अब जो है आसाम से जो आवाज़ आज बुलंद हुआ इसमें ईवीएम मशीनों के शत विरोध के अलग अलग मामले सामने आने लगे हैं। खैर, इसके बारे में आपका और भी क्या निजी विचार है
वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। इंतज़ार आपका करते रहेंगे। और इसके साथ आप तमाम बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसने नीचे दिए हुए ज्वाइन बटन को दबा करके, जिससे सब्सक्रिप्शन के माध्यम से कुछ चार्ज और बहुत सारे देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले आपके पास तक पहुँचेगी।